वाहेगुरु वाहेगुरु बोल बंदिया वाहेगुरु वाहेगुरु बोल। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश उत्सव को लेकर न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर में तैयारियां की जा रही हैं। मंगलवार 12 नवंबर को सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। प्रकाश उत्सव इस बार कई मायनों में खास है। एक तरफ ये गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती है, वहीं दूसरी ओर इस बार सिख तीर्थ यात्रियों को करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने का मौका भी मिल रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, जिससे सिख श्रद्धालुओं में खुशी का माहौल है। वैसे मंगलवार को पड़ने वाला प्रकाशोत्सव गुरु नानक जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन गुरुद्वारों में खास पाठ का आयोजन होता है, सुबह से शाम तक कीर्तन होते हैं। गुरु नानक जयंती के मौके पर आपको बताते हैं गुरु नानक देव से जुड़ी कुछ खास बातें। गुरु नानक एक महान संत, महान विचारक और कवि भी थे। वो कोई एक नहीं बल्कि अलग अलग भाषाएं बोला करते थे। उनकी भाषा की तुलना बहते पानी से हुआ करती थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समाये हुए थे। कवि होने के नाते उन्होंने कई रचनाएं लिखी। उनकी 19 रागों में गाई गई 974 रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। कहते हैं कि नानक देव से ही देश को हिंदुस्तान का नाम भी मिला। आपको बता दें कि गुरु नानक देव के शिष्य उन्हें नानक देव, नानक साहब, बाबा नानक और नानक शाह के नाम से संबोधित करते थे। अगर उत्तर भारत का रुख करें तो लद्दाख और तिब्बत में उन्हें नानक लामा भी कहा जाता है। सिख धर्म के उदय का श्रेय भी नानक देव की शिक्षाओं को जाता है। इनकी शिक्षाओं के साथ ही सिख धर्म का उदय होता है। सिख शब्द का मूल अर्थ है शिष्य। जो लोग गुरु नानक जी की शिक्षाओं पर चलते गए वे सिख हो गए। आज ये धर्म विश्व का 9वां सबसे बड़ा धर्म है और भारत के प्रमुख 4 धर्मों में इसका स्थान भी है। सिख धर्म की पहचान पगड़ी और अन्य पोशाकों से भी की जाती है, लेकिन कई सिख ऐसे भी हैं जो पगड़ी धारण नहीं करते। समय के साथ सिख समुदाय ने अपनी वीरता के जलवे दिखाए और अंतिम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी के काल में सिख कौम ने संत और सैनिक दोनों के भावों को खुद में समाहित कर खालसा पंथ की बुनियाद डाली। नानक के व्यक्तित्व में महान दार्शनिक, सिद्ध योगी, गृहस्थ संत और अप्रतिम समाज सुधारक होने के साथ विश्व बंधुत्व के गुण भी समाये हुए हैं। नानक देव जी की गिनती भारत भूमि के उन सिद्ध संतों में होती है जो केवल और केवल सत्य के लिए ही नतमस्तक हुए। उनका कहना था कि एक दू जिभौ लख होए लख बीस, लख लख गेड़ा आकिए एक नाम जगदीश। यानी कि एक ही भगवान एक से दो हो जाता है, दो से लाख, लाख से 20 लाख और फिर अरबों और खरबों हो जाता है, पर अंत में एक जगदीश ही सत्य है। उन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा के माध्यम से उपासना के विपरीत एक उपासना का अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों का सदैव विरोध किया। उनका दर्शन सूफियों के जैसा था। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया, जिन्होंने समाज में नारी के अस्तित्व को बड़ा दिखाया। कहा जाता है कि 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने श्वसुर पर छोड़कर अपने 4 साथियों मर्दाना, लहना, बाला और रामदास को लेकर तीर्थाटन पर निकल पड़े। देश भ्रमण के दौरान
नानक जी ने पंजाब, मक्का, मदीना, काबुल, सिंघल, कामरूप, पुरी, दिल्ली, कश्मीर, काशी और हरिद्वार जैसी जगहों पर जाकर लोगों को उपदेश दिए। उन्होंने कई धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और सामाजिक ढांचे को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। नानक ने हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। इन तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद गुरु नानक ने मक्का की यात्रा की थी। कई ग्रंथों में गुरु नानक की मक्का यात्रा का विवरण मिलता है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब, हिस्ट्री ऑफ सिख, जन्म साखी में भी नानक की मक्का यात्रा की जानकारी मिलती है। उनकी ये यात्रा भी अपने आप में खास और अद्भुत रही। गुरु नानक देव की इस यात्रा और उनके बारे में विस्तार से जानने के लिए युगवार्ता के 17 नवंबर के अंक में पढ़ें गुरुपूरब पर पूनम नेगी का लिखा आर्टिकल एक ओंकार सतना। दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।